हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। वेलकम बैक टू माय क्लास सुखदेव पटसारिया केमिस्ट्री क्लासेस ग्वालियर फॉर जी नीट एंड बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन लेक्चर नंबर 4 ऑफ नॉर्मेलिटी। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जी और नीट विद 12th क्लास। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। व्हाट काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन और उसका बेस्ट फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ, जो कॉम्पिटिशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने मोलेरिटी की डेफिनेशन और फॉर्मूला आपको सिखाया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए आज सीखते हैं नॉर्मेलिटी, इसमें क्या विशेष बात है और उसका थोड़ा सा मोलेरिटी से भी रिलेशन बताऊंगा। अगर दोनों को अगर आपको याद करना है तो दोनों में थोड़ा सा क्या डिफरेंस रहेगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन याद कर लेते हैं। नोट कीजिएगा, नोट इट। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। एक बार फिर सुन लीजिए, नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसे रट सकते हैं, याद कर सकते हैं और इसी के हिसाब से हम इसका फॉर्मूला भी बना देंगे। देखिए दोनों की मेन बात क्या है, कल के लेक्चर में हमने मोलेरिटी पढ़ी थी, आज के लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मेलिटी। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं पहले आपको नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन को बोल के बता रहा हूं। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन और प्रेजेंट इन वन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर सॉल्यूशन बोला है मैंने और यहां पर बोला है ग्राम इक्विवेलेंट। मोलेरिटी में बस इतना सा ही अंतर है, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह नंबर ऑफ मोल्स लिखा जाता है। मोलेरिटी को कैसे कहेंगे, मोलेरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन वन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहां पर मैंने बोला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और मोलेरिटी में क्या लिखाया था, नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये है हमारा मोलेरिटी और नॉर्मेलिटी में डिफरेंस। अब हम इसके हिसाब से फॉर्मूला बना लेते हैं जो हमें कंपटीशन में सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता है। देखिएगा यहां लिखूंगा मैं इट इज डिनोटेड एज कैपिटल एन। ये भी आपको याद रखना है, ओके okay? इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल एन इज इक्वल टू, यहां लिखूंगा मैं कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, मैं अपॉन को ऐसे करके दिखा देता हूं, इससे आपको अपॉन की लाइन आसानी से दिखाई दे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये नीचे आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप डायरेक्ट अगर कोई न्यूमेरिकल नीट में आता है तो आपका इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। जेडब्ल्यू में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन जरूर दिया जाता है, लेकिन इतना डब नहीं होता कि आप उसे न निकाल पाए, सारा का सारा इस फॉर्मूले पर ही बेस्ड होता है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला भी हमें आना चाहिए। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास और मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर नहीं बोलना है बल्कि बोलना है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। वहां पर मोलर मास आता था और यहां पर इक्विवेलेंट मास आएगा, और इक्विवेलेंट मास निकालना भी मैं साइड में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर इसमें अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू रख देता हूं तो क्या फॉर्मूला होगा, फाइनल फॉर्मूला याद कर लीजिए, और कर देता हूं यहां पर, और ये फॉर्मूला याद कीजिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट जरूर याद रखना है, सॉल्यूट की बात कर रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल आएंगे, और आगे यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये भी नीचे आएगा। तो इसको मैं यहां पर इसी तरीके से ये डिवाइड का निशान बना देता हूं आपको, ये इसके नीचे आना है पूरा, ये अपॉन की लाइन को मैंने ऐसे दिखा दिया है, ये देखिए दो चीजें नीचे आई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नीचे आए इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ऐसे लिखा जाता है। अब आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आएगी वो आएगी कि हमें तो सर इक्विवेलेंट मास ही निकालना नहीं आता, मॉलिक्यूलर मास तो आपने पिछले लेक्चर में सिखाया था कि एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा, तो इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे इसको भी मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। ध्यान रखना अगर आपका वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है तो आप ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या फिर पहले मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आपको तैयार करना है, दोनों चाहे ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, बस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को मैंने यहां पर दिखा दिया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। अब आपको जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम आ गई, डेफिनेशन और फॉर्मूला तो हमें याद हो ही जाता है, अब आता है हमें इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना, बड़ा सरल है लेकिन अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग कैसे निकालते हैं। देखिए दो तीन चीजें आपको याद रखना पड़ेंगी कि देखिए एक होता है, ये यहाँ पर मैं एक एरो लगा के बता रहा हूँ, इसको याद करिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड,
देखिए सबका अलग अलग निकाला जाता है, एसिड का, बेस का और सॉल्ट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का भी अलग अलग निकाला जाता है, और उसके बाद में किसी एलिमेंट का निकालना है तो उसका अलग निकाला जाता है। सबके फॉर्मूले अलग अलग हैं, थोड़ा सा आपको समझना होगा। अगर मैं अभी आपको एसिड से सिखा देता हूँ तो आप दूसरों के भी निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालना है तो कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। ध्यान रखना बच्चों, बेसिसिटी एसिड की निकाली जाती है और बेस की एसिडिटी निकाली जाती है, और बेसिसिटी का मतलब होता है रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आयन, इसको बेसिसिटी कहेंगे हम, रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आयन। ये एसिड की बेसिसिटी होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी मॉलिक्यूलर मास की जगह पर, और यहाँ पर उसकी बेसिसिटी यानी H2SO4 में दो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं इसलिए नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, उसका इक्विवेलेंट मास निकल आएगा। सेम अगर बेस का निकालना है तो उसमें उसकी एसिडिटी लिखी जाएगी यहाँ पर। सॉल्ट का निकालना है तो यहाँ पर इसमें आएगा पॉजिटिव या निगेटिव आइंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। अगर आपको एलिमेंट का निकालना है तो आपको नीचे बैलेंसी, उसकी बैलेंसी कितनी है उससे डिवाइड करना होगा। इसी टाइप से आपको सभी के इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको और समझा देता हूँ। ये किसकी बताई थी मैंने, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। अगर एसिड है तो आपको बेसिसिटी से डिवाइड करना है, और इसको एक सिंपल फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हो इस तरीके से, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये नाम दे देता हूं मैं एक सिंपल सा, ऐसे आप सिंपल याद कर सकते हो एन फैक्टर के रूप में। तो एन फैक्टर, ये मॉलिक्यूलर मास किसी का भी निकालना, चाहे एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, या कोई एलिमेंट हो, किसी का भी आपको मॉलिक्यूलर मास निकला है तो आप यहाँ लिख सकते हो। लेकिन एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर जिस तरीके से बेसिसिटी, तो यहाँ पर को याद कर लीजिए। देखो ये एन फैक्टर के लिए कुछ चीज़ें बता दूँ। एन फैक्टर ये क्या होता है, ये होती है एसिडिटी। एसिडिटी किसके लिए होती है, एसिडिटी फॉर बेस। समझना ध्यान से, एन फैक्टर में आता है एसिडिटी, यानी मैं एसिडिटी से डिवाइड करूंगा एन फैक्टर की जगह। यहाँ पर एसिडिटी किसकी होती है, बेस की होती है। मान लीजिए मेरे पास NaOH है, एक बेस है NaOH, Al का AlOH का होल थ्राइस, MgOH का होल ट्वाइस, कोई बेस है जिसमें OH आपको दिखाई देगा, तो वहाँ पर जितने OH होंगे उतने से ही डिवाइड कर देंगे, वो हो जाएगा वहाँ पर एसिडिटी। अगर बेसिसिटी है तो ये किसके लिए होगी, ये एसिड के लिए रहती है। जैसे H2SO4 इसकी बेसिसिटी होगी 2, HCl में एक H है तो बेसिसिटी होगी 1, यानी रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, उसी को बेसिसिटी। लेकिन ये हमेशा जो एसिड आपको मैं बोल रहा हूँ उन एसिड में जितने एच हैं उतनी ही बेसिसिटी हमेशा नहीं होती है, आपको रेडिकल का ज्ञान होना चाहिए। जैसे H3PO4 में मैं 3 बेसिसिटी बोलूँगा, लेकिन H3PO2 बोलूँगा तो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर बेसिसिटी 3 नहीं होगी। यानी आपको पता होना चाहिए कि इसका अगर इसका आयोनाइज करें तो कितने एच पॉजिटिव आयंस इसमें बनेंगे। तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। इसकी पूरी लिस्ट में आपको इक्विवेलेंट मास वाले टॉपिक में, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट में पूरा सिखा चुका हूँ आपको।
तो यहाँ पर एसिडिटी लिखेंगे एन फैक्टर की जगह, या बेसिसिटी लिखेंगे, बेसिसिटी एसिड की होती है और एसिडिटी बेस की होती है। और क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, पॉजिटिव और निगेटिव आयन। पॉजिटिव निगेटिव आयन किसके लिए होते हैं, ये सॉल्ट के लिए होते हैं। अगर सॉल्ट है कोई, अगर आप पहचानते हैं तो सॉल्ट में, जैसे मान लीजिए Na2SO4 है, तो Na2SO4 में 2Na यानी 2Na पॉजिटिव है, उससे डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव और निगेटिव के लिए होंगे। और अगर आपके पास क्या है, बैलेंसी, बैलेंसी कब यूज की जाएगी, बैलेंसी यूज की जाएगी जब आपके पास कोई एलिमेंट है उसका आप इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसमें डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन या गेनिंग इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया जाता है, वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने सिंपल से कुछ नाम बताए हैं, इनसे आप एन फैक्टर के रूप में यहाँ वैल्यू रख सकते हैं और उस यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास आएगा और इस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर हमें नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूलों में, मेन फॉर्मूला तो हमारा यही होता है, केवल इक्विवेलेंट मास अगर आप भूल जाते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन याद कर लीजिए, दोनों फॉर्मूला याद करिए, और इक्विवेलेंट मास एसिड का, बेस का, सॉल्ट का या एलिमेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का, ये भी लिख देता हूँ मैं, ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पर यूज होगा, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इनके लिए हम डोनेटिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं। और इसके बारे में मैंने डिटेल्स आपको और भी बहुत सारे लेक्चर दूंगा जिसमें बताऊंगा पर्टिकुलर कि ये कैसे निकाला जाता है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट की आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इक्विवेलेंट मास का मैंने डिटेल समझाया हुआ है, तो वहाँ वो जरूर देख लीजिएगा, आपका ये और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये साइड पार्ट है, इसमें चूंकि इसकी ज़रूरत पड़ गई थी इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसमें आपको अभी एन फैक्टर के रूप में बता दिया है। तो चलिए, ये है हमारा सिंपल सा नॉर्मेलिटी का लेक्चर। इसमें इसके कुछ साइड फॉर्मूले भी होते हैं, उन फॉर्मूलों की चर्चा आज मैं नहीं करूँगा, वो रिलेशन में सिखाऊंगा इसी वाले टॉपिक में, जैसे N1B1 = N2B2 या डेंसिटी से इसका क्या रिलेशन है, ये वाले फॉर्मूला रिलेशन में बताऊंगा। इसमें अभी खिचड़ी नहीं कर रहा है, इसमें तो आपको केवल इतना ही तैयार करना है, डेफिनेशन एंड इसका फॉर्मूला। तो चलिए, मोलेरिटी का और ये नॉर्मेलिटी का ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप मेरे इन लेक्चर्स में क्या और सुधार चाहते हैं, कुछ ज़्यादा चाहते हैं या इससे कुछ कम चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हर दम हेल्प करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।